नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। कुछ दिन पहले झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि मगही और भोजपुरी क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से हटेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें यह आश्वासन दिया। सीएम ने उनसे कहा कि वह शीघ्र ही इस पर मंथन और विधायक दलों के साथ बैठक कर निर्णय लेंगे। वहीं यह सवाल झारखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह सवाल आपको बीजेपी से पूछना चाहिए। तो आइए सुनते हैं और क्या कुछ कहा उन्होंने। भोजपुरी रहना चाहिए, नहीं भोजपुरी, अगर भोजपुरी पलामू की भाषा है, अगर अंगिका वहाँ संथाल की भाषा है, मगही हजारीबाग साइड में बोला जाता है, तो निश्चित रूप से मैथिली को कहाँ शामिल किया गया था? ये तो भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से शोर मचाती थी, अब चुप क्यों है? वो बताए ना कि उनका स्टैंड क्या है। हम तो बता रहे हैं, वो बताएं जो इस तरह के लोगों को तूल देते हैं और इस तरह की बात करते हैं, उनको पहले ये बताना चाहिए कि आपका मैथिली के लिए क्या स्टैंड है, आपका भोजपुरी के लिए क्या स्टैंड है। सरकार में आप हैं तो आप सरकार में ही भाजपा नहीं है। नहीं, आप सुनिए, मेरा सवाल को सुन लीजिए। भाजपा नहीं है, हर ठीक रहा, भाजपा को फोड़ के आप लोग नहीं आंदोलन। आप ये बताइए ना कि अभी की सरकार के लोग आंदोलन कर रहे हैं, आपके पार्टी के विधायक विरोध कर रहे हैं, आप क्यों चुप बैठे? नहीं क्यों, हमने हर का अपना अपना तरीका होता है, हमने अपनी बात रखी है। हमारे ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कोई कहीं बोलेगा, कोई कहीं बोलेगा। हमारे यहाँ जो बात बोली जाती है वो सरकार में बोली जाती है, और सरकार में जो हमने कहना है वो हमारे मंत्रीगण बात कर रहे हैं। आप कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं इस चीज का, भोजपुरी मगही धनबाद में होनी चाहिए थी। देखिए, चूंकि वहाँ धनबाद और बोकारो में जो भोजपुरी की बात कही गई है और मगही की बात कही गई है, तो निश्चित रूप से जब भी सरकार को फैसला लेती है तो सभी लोगों से बातचीत करके लेती है। उसके बाद भी अगर वहाँ की भावना है, जनभावना है, ये ठीक नहीं हुआ, तो निश्चित रूप से सरकार उस पर विचार करेगी। आपने कहा कांग्रेस की विधायक आपकी ही सरकार में, जो गठबंधन सरकार है, जगन्नाथ महतो विरोध कर रही, भोजपुरी नहीं चलेगा। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, और इसीलिए लोग अपने अपने तरीके से जीत के आते हैं और अपने अपने तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। वो क्या कहेंगी, ये कौन क्या कहेगा, उसकी बात छोड़ दीजिए, कौन क्या कह रहा है। सरकार सभी लोगों के विचारों को संग्रहण करके, संकलन करके तभी कोई फैसला ले। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।